वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। टुडेज टॉपिक स्क्रू थ्रेड्स। स्क्रू थ्रेड्स, ए स्क्रू थ्रेड इज फॉर्म्ड बाय कटिंग ए हेलिकल ग्रूव्स ऑन ए सिलिंड्रिकल सरफेस। फॉर्म्स क्या है? टू टाइप्स का फॉर्म है। पहला है वी शेप थ्रेड, दूसरा है स्क्वायर थ्रेड शेप्स। अलग भी हो सकता है मगर मेनली दिस टू टाइप्स। और क्या है? बोथ फॉर्म्स आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेड। ये दोनों का ही इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड होगा। लेट अस सी हाउ इट इज। नाउ दिस इज द शेप ऑफ वी थ्रेड। तो ये थ्रेड का एक एग्जांपल फिगर है। तो इसमें जो थ्रेड का मेन पार्ट है वो हम लोगों को ध्यान में रखना है। व्हाट इज द मेन पार्ट? तो क्या है? आउटसाइड डायमीटर ओडी, रूट डायमीटर, और क्या है? नॉमिनल डाया और इफेक्टिव डाया। नॉमिनल डाया क्या है? जिस सिलिंड्रिकल पार्ट के ऊपर हम थ्रेड कटेंगे, जैसा फर्स्ट स्टार्टिंग जो डाया है दैट इज नॉमिनल डाया। थ्रेड करने के बाद वो डाया थोड़ा छोटा होता है, जैसा ये आउटर डाया। आउटर डाया वो होता है आउटर डाया। और क्या है? हम थ्रेड काटने के बाद जो डायमीटर, इंटरनल डायमीटर होता है थ्रेड काटने के बाद, जैसा इंटरनल पॉइंट टू इंटरनल पॉइंट का जो डायमीटर है वो होता है रूट डाया या कोट डाया। और क्या है? इफेक्टिव डाया क्या है? फ्लैंक से जो डायमीटर आता है, फ्लैंक से, वो डायमीटर होता है इफेक्टिव डाया। और जो पार्ट है, पहले हम देखेंगे स्लोप। ये स्लोप क्या है? वी का जो स्लोप है, वी थ्रेड है इसमें वी का जो यहाँ स्लोप है, ये हमारा स्लोप है। और क्या है? क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या है? थ्रेड का टॉप पॉइंट को बोला जाता है क्रेस्ट। तो यहाँ ए टॉप पॉइंट है, ए टॉप पॉइंट है, ए टॉप पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट। और क्या है? रूट। इंटरनल जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड रूट। ए है इंटरनल पॉइंट, ए है इंटरनल पॉइंट, ए भी रूट है, ए भी रूट है, ए भी रूट है। और क्या है? पिच। क्रेस्ट टू क्रेस्ट, एक क्रेस्ट से और क्रेस्ट का डिस्टेंस जो होता है पिच। और क्या है? फ्लैंक, हमने बताया ये जो वी थ्रेड का जो स्लोप है, ये जो स्लोप है भाई, ये एंगल है, जो स्लोप है उस स्लोप को बोला जाता है फ्लैंक। और एंगल है होता है इसका वी का, एक एंगल भी होता है। और लीड होता है। लीड क्या है? जो लीड और पिच का जो रिलेशन है, तो पी कभी लीड के साथ एक इक्वल हो सकता है, कभी ए इक्वल टू टू पी थ्री पी हो सकता है। मतलब लीड पिच के साथ इक्वल भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, बाद में हम डिस्कस करेंगे तो कैसे होता है। अब क्या है? मेन फॉर्म्स ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड मेनली टू फॉर्म्स होता है, एक ट्रायंगुलर फॉर्म्स या वी थ्रेड, हमने पहले जो एग्जांपल दिखाया है वी थ्रेड का, और दूसरा क्या है? स्क्वायर थ्रेड। ठीक है, ये स्क्वायर थ्रेड का फिगर कैसा होता है? ये हमारा स्क्वायर थ्रेड का फिगर होता है। इसमें पिच रहेगा, टी मतलब थिकनेस, ये डेप्थ, डी स्मॉल डी मतलब डेप्थ, इसका रिलेशन भी होता है अलग से। और क्या है? वी थ्रेड। वी थ्रेड ये हमारा एग्जांपल है वी थ्रेड का, इसका भी पिच रहेगा, स्मॉल डी कैपिटल डी रहेगा, ये इसका फॉर्मूला भी अलग अलग होता है। वेरियस टाइप ऑफ वी थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड है, वो उसका फॉर्मूला भी अलग होगा। तो हमने नेक्स्ट हम देखेंगे कितने टाइप का है। और क्या है? वो जो ट्रायंगुलर और स्क्वायर थ्रेड देखा, वो दोनों थ्रेड क्या है? और भी दो दो करके होता है, जैसा क्या है? इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड या स्क्वायर थ्रेड का भी इंटरनल थ्रेड होता है, और वी थ्रेड का भी इंटरनल थ्रेड होता है। दोनों का ही इंटरनल एक्सटर्नल दो टाइप का थ्रेड होता है। अभी क्या है, एग्जांपल से हमने ये दिखाया, ये एक्सटर्नल थ्रेड है, ये क्या है? ये हमारा रॉड है या सेफ्ट है, सेफ्ट के ऊपर हमने स्क्वायर थ्रेड बनाया, सेफ्ट का आउटर पोर्शन में, इसलिए इसका नाम है एक्सटर्नल थ्रेड। और क्या है? ये हमारा एक स्क्वायर ब्लॉक है, तो स्क्वायर ब्लॉक के अंदर हम थ्रेड बनाया, तो अंदर थ्रेड बनाया, इसलिए इसका नाम है इंटरनल थ्रेड। इंटरनल मतलब कुछ पार्ट के अंदर ही बनेगा, और एक्सटर्नल मतलब पार्ट का ऊपर या आउटसाइड में बनेगा। ये हम लोगों को याद में रखना है। थ्रेड का जो पार्ट्स हमने बताया अभी, वही पार्ट्स का थियोरेटिकल डेफिनेशन यहाँ दिखाए गए हैं फोटो में, डेफिनेशन लिखा भी है यहाँ पर, आप लोग थियोरेटिकली ये डेफिनेशन याद कर सकते हो। और एक बात है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है थ्रेड एंगल, हेलिक्स एंगल, वो एंगल का भी थियोरेटिकली यहाँ दिखाए गए हैं, क्योंकि हेलिकल ग्रूव ही थ्रेड है, तो हेलिकल डिग्री कैसे आता है, पाई डी बाई पी, वो यहाँ दिखाए गए हैं। तो ऐसा सिंबल देख के हमको पता चलेगा कि ये एक्सटर्नल थ्रेड या इंटरनल थ्रेड। ये हमारा एक
सेफ्ट है, तो सेफ्ट का आउटर में थ्रेड है, इसका सिंबल या साइन है। ये लाइन देके हमने बता दिया और पास साइड व्यू देके बता दिया, तो इसको देखकर हमको समझना चाहिए कि दिस इज द एक्सटर्नल थ्रेड, इसका ऐसा ही सिंबल होगा एक्सटर्नल थ्रेड का। ये हमारा क्या है, इंटरनल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड क्या है, ऐसा देख के हमको पता चलेगा जे दिस इज इंटरनल थ्रेड। हम लोगों को बताया नहीं जाएगा जे इंटरनल होगा क्या एक्सटर्नल होगा, हम लोगों को ऐसा देखकर इसका मेजरमेंट बता दिया जाएगा, वी होगा या स्क्वायर होगा वो भी बता दिया जाएगा, मगर इंटरनल एक्सटर्नल का ऐसा सिंबल दे देगा तो हमको समझना चाहिए दिस इज द इंटरनल थ्रेड। ये सिंबल हम लोगों को ध्यान में रखना है। ए कॉन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्रेड्स है, यहाँ एक्सटर्नल इंटरनल मेट्रिक और स्क्वायर थ्रेड है। और क्या है, लेफ्ट हैंड थ्रेड एंड राइट हैंड थ्रेड भी हम लोगों को पहचानना है। लेफ्ट हैंड में क्या है, नाट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और राइट हैंड में मतलब नाट क्लॉकवाइज घूमेगा। और साइड में भी जो फिगर दिखाया गया है जैसा रेड कलर से इंडिकेशन है, तो लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड तक स्लोप है और राइट हैंड मतलब राइट साइड से लेफ्ट तक स्लोप है। ये देख कर हम लोगों को पता चलना चाहिए दिस इज लेफ्ट हैंड थ्रेड, दिस इज राइट हैंड थ्रेड। है थ्रेड का सिंबल यहाँ लिखा है M12 इंटू 2 इंटू 50 L। ये मतलब क्या है, थ्रेड का मतलब है मेट्रिक थ्रेड डायमीटर 12, 2 का मतलब है 2 mm पीच, 50 L मतलब है 50 mm लेंथ ऑफ थ्रेड, थ्रेड का लेंथ 50। ये हमको ऐसा ही सिंबल लिखा होगा। सपोज यहाँ SQ20 इंटू 2 इंटू 30, इसका मतलब वैसे ही है, SQ मतलब स्क्वायर थ्रेड डाया 20 और 2 यहाँ पीच है और 30 लिखा है, यहाँ एल वेल कुछ नहीं है मतलब ओनली 30 लिखा है, वो भी हम लोग लेंथ ऑफ थ्रेड ही पकड़ लेंगे। अब क्या है, स्टार्ट समझना है, व्हाट इज स्टार्ट। स्टार्ट सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। वो क्या है, ये हमारा थ्रेड है, थ्रेड क्या है, क्रेस टू क्रेस डिस्टेंस पीच। तो स्टार्ट का सिंबल है एल, L इक्वल टू पीच मतलब स्टार्ट जो सिंगल स्टार्ट होगा तब L इक्वल टू पी होगा मतलब पीच होगा, और डबल स्टार्ट जब होगा 2P जब होगा तब L इक्वल टू 2P होगा। तब क्या है, दो पीच डिस्टेंस है। सपोज ये एक्सटर्नल थ्रेड है, इसमें इंटरनल थ्रेड है, तो दोनों का अंदर मैचिंग हो रहा है। तो यहाँ क्या है, हम वन रिवोल्यूशन में क्या जितना डिस्टेंस जाता है मतलब वन रिवोल्यूशन में एक क्रेस्ट टू वन क्रेस्ट मतलब पीच, एक वन पीच डिस्टेंस जाएगा मतलब L इक्वल टू पी। अब और एक रिवोल्यूशन में दो पीच जाएगा तब L इक्वल टू होगा 2P। ऐसा करके स्टार्ट हम लोगों का यूज होता है हर एक पर्पज में, कभी L इक्वल टू 2P कभी L इक्वल टू 3P होता है। यहाँ L के साथ P का रिलेशन दिखाया गया है स्क्वायर थ्रेड के ऊपर, तो L इक्वल टू पी हो सकता है, 2P हो सकता है या कुछ भी नंबर हो सकता है, तो हम लोगों को उसको मल्टी स्टार्ट बोलना चाहिए या डबल स्टार्ट सिंगल स्टार्ट जैसा होगा ऐसा नाम आएगा। और क्या है, L मतलब है लीड जो मल्टी स्टार्ट को इंडिकेट करता है। वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर और वी थ्रेड्स, जैसे यूनिफाइड थ्रेड, मेट्रिक थ्रेड, विदवर्ड थ्रेड, BSF एंड BSP थ्रेड, सेलर थ्रेड एंड ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ये कुछ थ्रेडों का एग्जाम्पल फिगर है। ये मेट्रिक थ्रेड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और BIS IS 4218 हैज़ रिकमेंडेड दैट यूज ऑफ आइसोमेट्रिक थ्रेड, इट्स थ्रेडेड एंगल इज 60 degree विथ फ्लैट ऑन क्रेस्ट एंड राउंड एट रूट्स। ये सभी हम लोगों को याद रखना है। और क्या है, स्क्वायर थ्रेड है, दिस थ्रेड हैज़ इट्स फ्लैंक और साइड्स नॉर्मल टू एक्सिस एंड पैरेलल टू ईच अदर, इज जनरली यूज फॉर ट्रांसमिशन फॉर पावर, ऑल्सो यूज ऑपरेटिंग लार्जर एक्सियल मूवमेंट ऑफ नाट और स्क्रू, इज पीच जनरली ग्रेटर देन वी थ्रेड। और क्या है, और वी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड छोड़कर ट्रापीजॉइड एक टाइप का थ्रेड है, जैसा एक्मी थ्रेड, मेट्रिक थ्रेड, बार्ट्रेस थ्रेड, मॉडिफाइड थ्रेड। ये सब थ्रेड का एग्जाम्पल का फिगर है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है, यूज्ड, तो ये सभी थ्रेड कहाँ यूज़ होता है, जैसा स्क्वायर थ्रेड हमने पहले बताया, तो स्क्वायर थ्रेड कहाँ यूज़ होता है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, लेथ मशीन का लीड स्क्रू में यूज़ होता है, जैक स्क्रू और वाइस में यूज़ होता है। और क्या है, थ्रेडेड रॉड इज कॉल्ड स्क्रू, द स्क्रूज आर यूज्ड फॉर जॉइनिंग टू पार्ट्स ऑफ टेम्पोरली, ये भी याद रखना है। और क्या है, BIS रिकमेंडेड थ्रेड है मेट्रिक थ्रेड, वो है 60 degree मतलब वी थ्रेड, वो यूज़ होता है स्मॉलर साइज ऑफ नॉट बोल्ट एट्सेट्रा। ये सभी हम लोगों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है।